थैंक यू वेरी मच सर। आणि जे तळमळ आहे समाजाच्या विषयी ते आम्हाला खरच प्रेरणा ठरणार आहे आणि ह्या तुमच्या तळमळीचा निश्चितच आम्ही कदर करून अशा प्रकारचा प्रोग्राम डॉक्टरांच्या माध्यमातून आम्ही करू सर। धन्यवाद सर। थैंक यू वेरी मच। एक चीज मैं बताऊं आप लोग, अगर आपने ऑब्जर्व किया होगा, मैंने एक चीज सिखाई ना ऑब्जर्वेशन अवेयरनेस। मैं झूठी तारीफ कभी किसी की नहीं करता, लेकिन मैं पहली बार कर रहा हूँ प्रोफेसर खालिद को और आई एम रियली इम्प्रेस्ड। एक पर्सनालिटी जो अपना अस्तित्व बता देती है, उसका प्रेजेंस बता देती है, वो प्रेजेंस जब किसी भी यहाँ के माहौल में किसी के माहौल में भी जाए तो प्रेजेंस वो फ्लेवर वो प्रेगनेंस स्प्रेड कर देती है। आई रियली थैंक यू सर फॉर इंस्पायरिंग हैविंग Sir, 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 sir
प्रैक्टिस कैसे करना है, क्योंकि कोई चीज आप सीख लो और उसके बाद उसका यूज नहीं करो तो वो बहुत लॉन्ग टर्म आपको, क्योंकि एक बार आपने, मैं आपको प्रैक्टिकलिटी बताता हूं, माइंड को एक पिक्चर दे दिया तो माइंड आपको वो हकीकत में करके देता है, ये तो पक्का है। लेकिन अगर आपने उसको रेगुलर प्रैक्टिस किया तो वो आपके बताए हुए टाइम के पहले करके देता है। जैसे आपने अगर गोल सेटिंग के अंदर एक पर्टिकुलर डेट दिया होगा कि 12th मार्च 2012 या 10th मार्च 2013 या 2005, मैं बोला ना डेट और कैलेंडर के हिसाब से, अगर आप ईमानदारी से, मैं आपको बोलता हूं, मैं रोज मिनिमम हाफ एन आवर टू 45 मिनट्स प्रैक्टिस करता हूं, और अगर आपने उस चीज को प्रैक्टिस करना चालू कर दिया, टाइम 24 घंटे में कभी भी करो, इसके लिए कोई फिक्स टाइम की जरूरत नहीं है। आप ट्रेन में बैठे हो, ट्रेन में सफर कर रहे हो, वहां करो, आप बस में हो वहां करो, आप पुलिस स्टेशन में हो, रिलैक्सेशन का एक आपको 15-20 मिनट मिलता है, आधे घंटे मिलता है, वहां करो, जहां भी वक्त मिलता है, लेकिन करना जरूर। करना क्या है वो चीज मैं आपको बताता हूं। सबसे पहला शुरुआत में मेडिटेशन बहुत डिस्टर्ब मेडिटेशन होगा, मतलब मैंने आपको कंटिन्यूस प्रोसेस कराया है तो आपकी माइंड की प्रोग्रामिंग म्यूजिक की हो चुकी है, मतलब मैंने जो जो म्यूजिक यूज किया है, मैंने अल्फा म्यूजिक यूज किया है, मैंने ट्रांस म्यूजिक यूज किया है, तो अपनी बॉडी एक्सेप्ट करती है म्यूजिक को। उसकी सीडीज मैं आपको दूंगा, उसको थोड़ा वक्त लगेगा, लेकिन एक सीडी जो म्यूजिक जिसकी प्रोग्रामिंग हुई आपकी, आप अपने आईपॉड में डाल दीजिए या आपके मोबाइल में डाल दीजिए, ईयरफोन लीजिए, जब भी आप करते हैं आप खाली म्यूजिक भी लगाएंगे तो भी आप अपने आप अल्फा स्टेज में पहुंच जाएंगे, क्योंकि प्रोग्रामिंग ऑलरेडी हो चुकी है। वैसे जो गाने हैं, सॉन्ग्स हमने यूज किए हैं, वो सॉन्ग्स की भी कॉपी आपको डाउनलोड करके मिल जाएगी, आप उसको प्रोग्रामिंग के लिए यूज कीजिए शुरुआत में, जब तक आप आदत नहीं डाल देते शुरुआत में, क्योंकि माइंड व्यूरिंग है, अपना माइंड टिकता नहीं, कहीं भी घूमता है, तो माइंड को सेटल करने के लिए शुरुआत के लिए आपको जरूरी है। एक बार आपको आदत पड़ गई, रूटीन में आपने अडॉप्ट कर लिया, तो फिर आपको किसी भी साधन की जरूरत नहीं, फिर तो आप आंख बंद करोगे और आप अल्फा स्टेज में चले जाओगे और फिर कल्पना करना। तो करना क्या है, शुरुआत में मान लो अगर आपको डिफिकल्ट जा रहा है प्रैक्टिस करने के लिए, तो कुछ दिन तक आप त्राटक की प्रैक्टिस करो। त्राटक के लिए मैंने बताया ना, एक मेमबत्ती रख के, कुछ दिन तक मेमबत्ती अपने सामने रखी, उसकी लव रहती ना, उसको देखिए, त्राटक में सिर्फ उसको ध्यान से देखना है, जब तक आंखें गीली नहीं हो जाए, स्ट्रेन पड़ती ना, फिर धीरे से आंख बंद करना और उसको यहां देखना, ये कुछ दिन प्रैक्टिस करो, कुछ दिन तक एक टुकड़े टुकड़े प्रैक्टिस कर सकते हो, कुछ दिन तक आप प्रैक्टिस करो सिंपल सांसों पे ध्यान देने, सांसों पे ध्यान देने का मतलब साइलेंटली बैठ जाओ जहां भी रहते, और विचार तो आने वाले हैं, विचार तो रुकते नहीं, तो विचार को रोकना है तो माइंड को कहीं फिक्स करना पड़ता है, तो अपने सांसों पे फिक्स करो, मतलब खाली देखो सांसें आ रही जा रही, इतना ही ऑब्जर्व करो, ये बड़े टुकड़े टुकड़े में करो, कोई फर्क नहीं पड़ता, कभी 5 मिनट करो, कभी 10 मिनट करो, कभी 15 मिनट करो, जैसे आपको मिले, लेकिन अपने प्रोसेस में डाल दो, एक बार अपने प्रोसेस में डालो तो माइंड की प्रोग्रामिंग होनी चालू हो जाती। और रूटीन हैबिट्स में अगर आप करना चाहो, म्यूजिक मैंने बताया, तो सवेरे या शाम को जिस वक्त आप सोते हो, क्योंकि तो नेचुरल टाइम है जब अल्फा स्टेज में रहते हो, जैसे बोलो ना, सुबह उठने का टाइम आपका अल्फा स्टेज का होता है और रात को सोने का टाइम आपका अल्फा स्टेज का, ऐसे टाइम पे जो भी चीजें आप अपनी जिंदगी में चाहते हो, जो भी, उसका एक गोल चार्ट बनाओ, मतलब एक सिंपल चार्ट बनाओ, रुपया चाहिए तो
रुपए के कलर 50 करोड़ चाहिए, 5 करोड़ चाहिए, बनाओ। बिल्कुल हेजिटेट नहीं करना, दुनिया क्या कहेगी उसमें नहीं सोचना, मेरे बात पे बिलीव करो, मैंने किया है, मुझे रिजल्ट मिला है, मैं उसकी क्लिपिंग भी दिखा सकता था आपको, मैं आपको बता रहा हूँ। जो भी चाहिए डेट के साथ में, चेक चाहिए तो अपने नाम का चेक बनाओ, उस पर डाल दो डेट डाल दो, किसी की भी सिग्नेचर कर दो, तारीख डाल दो, वो तारीख पे मुझको इतना पैसा चाहिए, और आप जहां सोते हो ना उसकी सीलिंग पे लगाओ। और फिर आपकी 2 रूम का फ्लैट लेना है या 3 रूम का फ्लैट लेना है या जो भी जगह पे फ्लैट चाहिए, उसका एक पिक्चर, उसका एक डायग्राम, जो चाहिए आपको उसको ऊपर लगा। जैसे मैंने आपको सारे प्रोग्राम दिखा ना विजुलाइजेशन के लिए, क्योंकि आपकी माइंड पिक्चर देखती है ना, वैसे जब आप सोते हो तो ऊपर वो दिखे आपको, और देखते देखते आंखें बंद करो, आंखें बंद करके उसको विजुलाइज करो कि आपको मिल गया है। मैं आपको फिर से बताता हूँ उसकी कंडीशन, प्रेजेंट में मिल चुका है, मिलेगा ऐसा नहीं, मिल चुका है। आप अपने आप को 2014 में देखो, अपने आप को अगर प्रमोशन चाहिए तो अपने को उस ड्रेस में देखो, प्रमोशन के ड्रेस में देखो, उसकी एक फोटो बनाओ, उस रूप में देखो, और फिर आप उसको विजुलाइज करो, मतलब उसी चीज को कि आपको मिल गया है। मिलने के बाद लोग आपको हाथ मिला रहे हैं, लोग आपकी तारीफ कर रहे हैं, कॉन्ग्रेचुलेट कर रहे हैं, आप अपने लेटर को देख रहे हो, उसको विजुलाइज करो। और उसके बाद आप कब सो जाओगे मालूम नहीं पड़ेगा, लेकिन 10 से 15 मिनट अर्ली मॉर्निंग में सब फ्रेश होने के बाद जब भी आपको वक्त मिले 15-20 मिनट कीजिए। मैं नहीं बोलता कि आप आधा घंटा करो, 2 घंटे करो, 3 घंटे करो, लेकिन एक बार जब आपकी आदत पड़ जाएगी ना, तो पहले शुरुआत में क्या होगा कि आप उधर तक पहुंच ही नहीं पाओगे, मतलब अल्फा स्टेज तक नहीं पहुंच पाओगे। विजुलाइज तो कर लोगे, कल्पना तो कर लोगे, लेकिन अल्फा स्टेज पे नहीं पहुंचोगे, लेकिन प्रैक्टिस भी अल्फा स्टेज पे आ जाएगी। दूसरा इजिएस्ट तरीका बताता हूँ, पहले कुछ दिन तक जब आप बैठते हो मेडिटेशन करने के लिए आंखें बंद करके, कुछ मत करो, सांस पे ध्यान दो और हार्ट बीट सुनने की कोशिश करो। नॉर्मल टाइम पे नहीं आएगा, जैसे जॉगिंग करके आओ या ना ब्रिस्क वॉक करके आओ, आपको हार्ट बीट, जैसे मैंने आपको ना डांस किया था, आपको हार्ट बीट सुनाई देना इटसेल्फ इज अल्फा स्टेज। अगर आपने आंख बंद करके इस पे ध्यान दिया तो कुछ देर में आपको डेवलप डेवलप आपको That means you are going in deep. That means you are already reaching to alpha. ये practice से होगा। एक 15-20 दिन महीना भर आपने practice किया था, फिर आपको practice नहीं करनी पड़ेगी। आप आंखें बंद करोगे कि आप alpha में जाओगे। और मैं आपको सच्चाई बताऊँ, इसके अंदर इतना power है कि कुछ भी कर सकते हो आप। मैं एक सादा example देता हूँ आपको। ओशो के बारे में सुना आपने? Richest संत ऑफ इंडिया, मतलब richest most संत थे वो अपने हिंदुस्तान के, और 1970s में, मैं उसकी बात कर रहा हूँ, 70s में उनके पास 99 रॉयल कार्ड थी। आज 2011 में इंडिया में खाली 6 है, 5.5 करोड़ की एक गाड़ी। 2011 में सिर्फ 6 गाड़ी है, और 2000 तब की बात कर रहा हूँ 70s में 99 रॉयल कहां से, कोई बिजनेस करते थे क्या? लेकिन उनके पास ये टेक्नोलॉजी थी, और वो उन्होंने उस जमाने में लोगों को सिखाने की कोशिश की। कभी आप उनके कोई डिस्कोर्सेस देखना या उनके कोई मेडिटेशन की टेक्निक देखना, उस जमाने में उन्होंने चीख चीख के लोगों को सिखाने की कोशिश की। हमारे लोगों ने तो नहीं सीखा, लेकिन फॉरेनर ने उसको सीखा, आज वो सक्सेस की राह पे। मतलब हमारे शास्त्रों ने इजिएस्ट टेक्नोलॉजी हमको दी है, लेकिन हमको पता नहीं इसने भी यूज नहीं कर, तो इसको आप यूज करो। मैं मटेरियल के लिए चाहिए, कार चाहिए, बंगलो चाहिए, प्रमोशन चाहिए, चीज चाहिए उसके लिए यूज करो, हेल्थ चाहिए, वेल्थ चाहिए, रिलेशनशिप चाहिए उसके लिए यूज करो। यहां तक मैं आपको हीलिंग नहीं सिखाया, क्योंकि आज हीलिंग का कृष्ण यादव ने बोला था, मैं टॉपिक ओपन भी किया था, लेकिन तब तक टॉपिक चेंज हो गया, तो मैं आपको डायबिटीज और हाइपरटेंशन हीलिंग के बारे में मैं टच लेके जाने वाला था, लेकिन आपको हीलिंग के बारे में बहुत ही पावरफुल टेक्निक है, मतलब आप किसी को भी हील कर सकते हैं। रिलेशनशिप, बच्चों का मन तो नहीं बदल सकते ना, तो बच्चों को विजुलाइज करो। जैसे मैंने आपको बोला ना कि विजुलाइजेशन में मैच करना है उनकी बॉडी को और अपनी बॉडी को, मतलब क्या कर रहे हो आप, उनके माइंड में जो आप चाहते हो डालना, वो आप विजुलाइजेशन टेक्निक से डाल रहे हो, उसके अच्छे बुरे का आप देखना, मिरेकल होने लग जाते, उसके अंदर बदलाव आने लगते, तब आप डायरेक्टली इनडायरेक्टली उनको सपोर्ट कर।